होली का पर्व सोमवार 25 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। इसको लेकर बाजारों में नए नए प्रकार के खिलौने वाली पिचकारियां मिल रहे हैं। इस त्योहार को लेकर युवाओं व बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कईयों ने अभी से रंग व पिचकारियां खरीदना भी प्रारंभ कर दिए हैं। होली के पर्व पर अधिकांश रूप से ठंड होती थी, परंतु इस बार गर्मी का मौसम चल रहा है, जिस कारण ये त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रयागराज में होली का रंग चढ़ने लग गया और मुख्य बाजारों सहित अन्य बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की बहार आई हुई। बच्चे अभी से पिचकारियों से पानी उड़ेलने लगे हैं। इस बार भी दुकानदार हर्बल, खुशबूदार तथा थरीडी गुलाल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। साथ ही शहरवासियों का रुझान भी ऑर्गेनिक कलर और शुद्ध गुलाल की ओर ज्यादा है। होली 24 मार्च और धुलंडी 25 मार्च को है। होली के नजदीक आते ही शहर के बाजारों में पिचकारियों की दुकानें सजने लगी हैं। बच्चों के पसंदीदा पानी टैंक और बंदूक, गन वाली पिचकारी भी बाजारों में देखी जा रही है। इसके अलावा थाली को उल्टा करते ही पानी की बौछार, छोटा भीम, तीर वाली पिचकारी और कालिया की जोड़ी धमाल मचाने को तैयार है। दुकानदार ने बताया कि होली पर्व के लिए बाजारों में विभिन्न प्रकार की पिचकारी, रंग अबीर, टोपी आदि की बिक्री शुरू हो गई है। इस साल होली पर्व पर पिचकारी का दाम गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। बाजार में मोटू पतलू, पोकेमान, डोरेमन, स्पाइडरमैन, बैडमैन, अग्गी आदि नामों से पिचकारी बिक रही है। इसके अलावा दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन की शक्ल में पिचकारी बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी है। कई राजनेताओं की तस्वीर लगी पिचकारी भी बाजारों में उपलब्ध है। इस बार बुलडोजर, वाटर टैंक, वजूबा, स्पाइडरमैन की पिचकारियां बच्चों को खूब पसंद आ रही हैं। इसके अलावा डरावने मुखौटे भी दुकानों पर सजे हैं। अच्छी तरह खरीदारी हो रही है और कपड़ा फाड़ होली होती है दो रोज का, और अच्छे अच्छे रंग है और टोपी है और आइटम नए नए आइटम सामान बिक रहे हैं। और सब ज्यादा कौन सा कलर लोग रहे? हरा, लाल और गुलाबी। और गुलाल में है अबीर में है, लाल है, हरा है, गुलाबी है और फगुआ है, चार कलर का ज्यादा बिकता है। बाजार में होली खेलने को लेकर टोपी, टी शर्ट, पगड़ी, कुर्ता पायजामा समेत अन्य वस्तुएं भी बहुतायत में उपलब्ध है। हर्बल रंग व गुलाल को लोग पसंद कर रहे हैं। बाजार में रंग व गुलाल के पैकेट 10 से 50 रुपए तक बिक रहा है। बाजार में होली के लिए ऑर्गेनिक कलर और शुद्ध गुलाल आए हैं। इससे त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लोगों ने पापड़, चिप्स, मैदा, रिफाइंड आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। घरों में भी महिलाएं आलू व साबूदाना के पापड़ व चिप्स बनाने लगी हैं। दुकानदारों के अनुसार इस साल चुनाव के चलते सामानों के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाजार में बढ़ रही चहल पहल से अब दुकानों में रौनक बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बाजार में अधिक रौनक है। होली आपसी रंजिशों को भूलकर दिल से दिल मिलाने का त्योहार है। लोगों में एक नया उल्लास होता है। इस त्योहार को अपना ही महत्व है। इस त्योहार का सभी लोग इसमें जो है भागीदार होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सभी धर्म के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और खास करके इस लोकनाथ बाजार की पहचान यही है, सभी लोग यहाँ पर और दूर दराज से लोग यहाँ पर रंग खेलने आते हैं। यहाँ की गुजिया का अलग महत्व है, यहाँ के बूंदी के लड्डू का, हर चीज़ का अपना 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 क्रेज है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। दो दिन यहाँ होली होती, किस प्रकार से होली, क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं वहाँ पर? यहाँ का रंग बहुत और यहाँ आपस का भाईचारा बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग गले मिल करके पुरानी से पुरानी दुश्मनी निपटा देते हैं, बुला देते हैं। प्रसिद्ध है यहाँ की लोकनाथ की होली ही प्रसिद्ध है। बाबा लोकनाथ का मंदिर है, बाबा लोकनाथ यहाँ हंसी खुली छुट्टी जो सब त्यौहार मनाते हैं। कितने दिन की होली होती है, मनाई जाती है? दो दिन की यहाँ पर, और यहाँ पास में ही ठटेरी बाजार है, वहाँ तीन दिन की होती है। कपड़ा फाड़ होली का भी? कपड़ा फाड़ होली है, वो तो फेमस हो गई है बिल्कुल। एक दूसरे का कपड़ा तो अब नौबत ये है कि लोग खुद ही उतार करके टांग देते हैं, लेकिन पहन के नहीं आते। बाजारों में 30 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की पिचकारी और 60 रुपए की टोपी और 50 रुपए में मुखौटा खरीदारी ज्यादा लोग कर रहे हैं। भूत प्रेत, जानवरों सहित विभिन्न तरह के हैरतअंगेज करने वालों के मुखौटे बिक रहे हैं।